ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों में हरियाणा में कांग्रेस बम बम है तो बीजेपी निराश। एग्जिट पोल में तो हरियाणा में कांग्रेस अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन हकीकत में कांग्रेस सरकार बना पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और उनसे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस 10 साल बाद जीत का स्वाद चख भी लेती है तो सीएम फेस वाली सबसे बड़ी चुनौती से कैसे पार पाएगी, यानी कि हरियाणा में सरकार का मुखिया कौन होगा, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा या फिर कोई और। क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले और चुनाव के दरमियान हरियाणा कांग्रेस में घमासान किसी से छिपा नहीं है। जहां चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक हर जगह हुड्डा की चली, वहीं कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर सभी विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। पूरे चुनाव में शैलजा की नाराजगी से पार्टी की जमकर फजीहत हुई। हालांकि शैलजा एन वक्त पर मान गई और चुनाव प्रचार से जुड़ी भी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस हरियाणा में जीत का परचम लहराती है तो पार्टी आला कमान किसे सीएम फेस की कमान सौंपेगी। क्या कुमारी शैलजा अपने आप को सीएम पद पर उम्मीदवार मानती है? इस सवाल का जवाब आप उन्हीं से सुनिए। पूरा अच्छी तरह से हमारी बहुत बढ़िया बहुमत से सरकार बनने जा रही है इसमें, और जो आप जीत की बात कर रहे हैं, मैं 3 फैक्टर्स कहूंगी और इसी ऑर्डर में। राहुल जी की मेहनत, भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी, और फिर बाद में हम सब का जो जमीन पर कार्य था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सबका, तो फिर वो भी है। तो मेनली जो राहुल जी ने माहौल तैयार किया है देश भर में, राज्य में, उनकी यात्रा रही और जो एक नई ऊर्जा आई, लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ, और भाजपा का जो 10 साल का काम था, एंटी इनकम्बेंसी एक जगह होती है लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि हर तरह से, चाहे आप शहर में जाएं, गांव में जाएं, तो कुछ नजर नहीं आया और कोई कनेक्ट नहीं था लोगों से। ये तो हमारी हाई कमांड ही तय करेगी। हमारी सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव होते हैं, फिर उसके बाद हाई कमांड के पास जाता है मामला। ये एक परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, और फिर उसमें फैसला हाई कमांड करती है फाइनल। ये तो हाई कमांड तय करेगा ना, हाई कमांड तय करेगा किसका नाम आएगा और किस पर वो फैसला देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि सीनियर मोस्ट तो हम दो ही हैं, तो इस कारण दोनों का नाम आना स्वाभाविक। तो क्या वाकई में शैलजा की दावेदारी में दम है और भूपेंद्र हुड्डा आसानी से मान जाएंगे? तो इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सीनियर हुड्डा इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार, लोगों की अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है, और जितनी भी हो सकती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बन जाएगी। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? हैं, एग्जिट पोल ठीक होंगे, क्योंकि सब में 50 55 इस तरह की सीटें। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सवेरे से कह रहा हूँ। ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा, 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, हर उसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। बता दें कि 3 चेहरे कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस के दमदार दावेदार माने जा रहे हैं, उनमें भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम शामिल है। फिलहाल सभी की नजरें 8 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब नतीजों की घोषणा होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।